नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप सबके लिए एक नई सी बढ़िया सी रेसिपी बनाऊंगी, बनाकर शेयर करूंगी। तो हमारे चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। हमारा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना। तो हमने डलिया लिया हुआ हम यहीं पाए हैं, तो चलिए आप सबको भी दिखाऊँगी हम जो रेसिपी बनाऊँगी। तो देख सकते हैं आप सब लोग, देखिए यहाँ पर कितने कई सारे आम के पेड़ हैं, छोटे हैं, लगे हुए हैं, कितना अच्छा दिख रहा है। ये इधर सब्जी बोई हुई है और ये देखिए ये सहजन का पेड़ है, कितना हरा भरा है, इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, देख सकते हैं आप। तो हम इसी की रेसिपी बनाऊँगी, इसी के हम पत्तियों को तोड़ लेती हूँ इस तरह से, जो नरम पत्तियां हैं उसी को तोड़ूंगी। तो तोड़ के दलिए में रख लेती हूँ और देख लेती हूँ जो हाथ से मिलेगा उसे हम तोड़ूंगी इस तरह से। देखिए इसकी पत्तियां बहुत ही नरम हैं अभी, इसे हम तोड़ के दलिए में रख लेती हूँ। तो सहजन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसके जो है दाह में और इसके फल में भी बहुत ही कैल्शियम और विटामिन सी भी मिलता है और आयरन भी, इस पत्तियों में आयरन भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह हम अपने ज़रूरत भर पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों हम अपने ज़रूरत भर की पत्तियों को तोड़ लिया है इतना सारा। तो हम देखिए दलिया लिया हुआ है हमने, देखिए इतना सारा तोड़ा हुआ है। तब इसी लग के चलती हूँ घर पे और इसी का रेसिपी बनाऊँगी तो आप सबको शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं घर पे। सहजन को हम घर लेकर आ गई हूँ, तो सबसे पहले हम इसकी जो है पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, जो डंठल होगा उसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से। जो डंठल टूट गया है उसे हम अलग कर लेते हैं, पत्तियों को अलग करेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह, देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है पत्ती इसकी, तो बहुत नरम है। सभी डंठल को अलग कर लेती हूँ, पत्ती को अलग। इसी तरह हम सभी पत्तियों को डंठल से अलग कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों हमने सभी पत्तियों को डंठल से अलग कर लिया है, देखिए इतना सारा डंठल निकला हुआ है। पत्तियों को हम अच्छे से धोकर साफ कर लेती हूँ। पत्तियों को हमने धो लिया है, तो हमने प्याज लिया है और हरा मिर्चा, इसे भी धोकर साफ कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने सजन पत्ती को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, प्याज जो मिर्चे को भी धो लिया है। तो दोस्तों आज हम बनाऊँगी, आप सबको बता देती हूँ, मैं आज बनाऊँगी सजन के पत्ते के क्रिस्पी और कुरकुरे पकौड़े। तो हम सामग्री जो लिए हैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो हमने ये सजन का पत्ता लिया हुआ है, एक 6-7 प्याज लिया है मीडियम साइज का और हरा मिर्चा है। एक पाव हमने बेसन लिया हुआ है, 100 ग्राम चावल का आटा, आप चाहे तो इसके जगह सूजी भी रख सकते हैं। एक चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, एक फॉर्चून का तेल। तो इन्हीं सब सामग्री से मैं बनाऊंगी आज सहजन के पत्ते की पकौड़े। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्ती को काट लेती हूँ। इस तरह से हम इसे और छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। सजन के पत्ते को हमने काट लिया है, तो प्याज है इसे भी काट लेती हूँ, हम इसी में काट लेती हूँ। प्याज को हमने काट लिया है, तो हरा मिर्चा है इसे भी काट लेती हूँ, इसे भी बारीकी काटूंगी। इसी तरह सभी मिर्ची को हम काट लेती हूँ।
तो मिर्ची को हमने काट लिया है, तो ये आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे ही बारीक काट लेती हूँ। अदरक को हमने काट लिया है, तो अजवाइन है, तो अजवाइन को हम हाथों से मसल कर डालूंगी, इसका जो है फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा मसलने से आता है। इस तरह से हाथों से मसल देंगे तो देखिए, तो अजवाइन को हमने डाल दिया है, तो आधा चम्मच हल्दी है इसे डाल देती हूँ, इसका जो है कलर अच्छा लगेगा। ये चावल का आटा है इसे डाल देती हूँ। इसे हमने चलनी से चार के अच्छे से रखा हुआ है। बेसन है, बेसन को डाल देती हूँ। तो हमने सभी सामग्री ले लिया है, तो नमक है तो स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। इन सबको अच्छे से मिला देती हूँ। बेसन में अच्छे से मिला लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रख करके डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो हमारा देखिए पकौड़े बनाने के लिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, तो हमने बहुत अच्छे से मिलाया हुआ है। अब चलते हैं चूल्हे पे, आग जलाएंगे, इसे हम रख देते हैं। चूल्हे में हम आग को जला देती हूँ। चूल्हे में हमने आग को जला दिया है, तो हाथ को हमने धोकर साफ कर लिया है, तो चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, डाल देते हैं फॉर्चून का तेल। तो देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा बेटर डाल कर देख लेती हूँ हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। इस तरह से देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, पकौड़े तलते हैं। वैसे अब जिस तरह ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम, तो पकौड़े हमारे अच्छे से बनेंगे, कुरकुरे। तो छन्नी के सहारे से हम पकौड़ों को पलट देती हूँ। देखिए इस तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इस तरह से पलट देती हूँ सभी पकौड़े को। दोनों तरफ से हम रट पलट के इस तरह से फ्राई कर लेते हैं अच्छे से पकौड़े, ताकि हमारे को पकौड़े एकदम क्रिस्पी बने। तो हमने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं किया हुआ है, बस मीडियम आंच पे हम पकौड़े तलेंगे, नहीं तो पकौड़े हमारे अंदर से नहीं अच्छे से तलेंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, नीचे से अंदर से नहीं। सभी पकौड़ों को हम पलट दिए हैं, इस तरफ भी हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पकौड़ को हमने कंझुर के सहारे से अलग पलट कर अच्छे से तल लिया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, उसे हम निकाल लेते हैं। तेल को हम इस तरह से नीचे गिरा देते हैं, पकौड़े हमारे एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं। इस तरह से आप भी बनाकर खाइएगा। तो इसमें बारिश का समय है, आप सहजन के पत्ते गांव में तो आसानी से मिल जाता है, शहरों में भी लोग लगाए होते हैं, मिल जाएगा आसानी से इसकी पत्तियाँ। इस तरह से आप भी बनाकर खा सकते हैं। इस तरह हम एक और खान बनाकर दिखा देते हैं आप सबको। तो आज को हम ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, मीडियम आंच पर ही पकौड़ी हम तलेंगे, ताकि हमारी पकौड़ी अच्छे से बने। तो सहजन जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इस तरह से आप पकौड़े बनाकर खाएंगे बारिश के मौसम में, और भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो चाय के साथ खा सकते हैं इसे बनाकर, चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी। तो देखिए दोस्तों, दूसरा खान भी हमारा पकौड़े जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे निकाल देती हूँ। इसी तरह हम सभी पकौड़ी को बना लेती हूँ।
देखिए दोस्तों, हमने सभी पकौड़ों को फ्राई कर लिया है, तो इसे भी हम निकाल देती हूँ। अंतिम घान है तो बहुत अच्छे बने हैं हमारे पकौड़े। कढ़ाई को नीचे उतार देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। सहजन के पत्ते के पकौड़े कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। आपको कैसा दिख रहा है कमेंट कर जरूर बताना। ये देखिए, तो हमने चटनी के साथ परोसा हुआ है, तो आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, अपने मन चाहे चटनी के साथ खा सकते हैं। तो हमने करौंदे की चटनी बनाया हुआ है, इससे साथ परोसा हुआ है। इस तरह से आप भी बनाकर घर में ही बनाकर खा सकते हैं, अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा पकौड़ा है और सेहतमंद भी पकौड़ा है ये सहजन के पत्ते का। तो हम देखिए दोस्तों, हमारा आज की रेसिपी है सहजन के पत्ते के पकौड़ी। तो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।